स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, यह है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ट्रू हिडन फीलिंग्स जो उनके मन में है, ओवरऑल हम उसको डीप में एनालाइज करेंगे, ठीक है। सो ये टैरो रीडिंग है, कलेक्टिव प्लस टाइमलेस है, और यस ये रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। एक और चीज का ध्यान रखना, रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, डेटा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान किस पे देना, एनर्जी पे। चलिए शुरू करते हैं यूनिवर्स। मेरी रीडिंग पता है ऐसी होती है ना, जिसमें लोगों को ना स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है यूट्यूब पे, पता है मैं इतना फास्ट बोलती हूँ। मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेरे रीडिंग के टाइम पे ना कोई 1.5 या 2 वाले स्पीड को क्लिक नहीं करता, यूट्यूब पे स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है, राइट, क्योंकि मैं इतना स्पीड में बोलती हूँ कि लोगों को उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। सो आज की भावनाएं बताएं इनके पार्टनर की, डीप ट्रू फीलिंग्स। अपने पार्टनर का ध्यान करो, जल्दी से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, शफल करूँ तो पटक से उनको सोचना शुरू कर दो। ओके यूनिवर्स, मुझे बताएं इनके पार्टनर की ट्रू डीप हिडन फीलिंग्स क्या है। करंट है या करंट एनर्जीज है। ओके जस्टिस, ओके पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। देख मुझे एक और कार्ड चाहिए यहां पर, नाइन ऑफ कप्स, नहीं सिक्स ऑफ कप्स, सॉरी स्टार, वॉल्ट, नाइट ऑफ वॉर्ड्स, टावर, द सन, बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर काफी ज्यादा खुद को ना स्टक फील करने लगे हैं दीज डेज, बहुत ज्यादा, मतलब एक ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं जहां पर जिस भी व्यक्ति के साथ वो रह रहे हैं या जिसके साथ भी वो जी रहे हैं, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, उन सभी के बीच में इनके अंदर एक स्टक एनर्जी आ चुकी है। यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं इंजॉय करूं, आजाद करूं, लोगों की तरह हैप्पी रहूं, और ये स्पेशली लोगों का मतलब ये है कि आप, ठीक है, आप जरूरत से ज्यादा इनको हैप्पी दिख रहे हो, या कहीं हद तक हो सकता है कि ऐसे फोटोज लगाए हैं जिसके कारण इनको बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है। सही शब्द यही होगा कि मिर्ची लगी है, क्योंकि ये काफी जलस हो रहे हैं आपसे। आप अपनी जिंदगी में इतना हैप्पी कैसे रह सकते हो? आपको कोई हक नहीं है मुस्कुराने का। वो वाली एनर्जी है जहां पे आपके पार्टनर आपको लेकर काफी ज्यादा कंपटिटिव एनर्जी में आ गए, और उनको ऐसा लग रहा है कि यार इसकी तो चांदी अपनी जिंदगी की बची पड़ी है, और हम लोग तो बहुत ज्यादा दुखी हैं, हमारी जिंदगी में कुछ बेहतर हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल स्ट्रेस है, यहाँ पे घर वालों का स्ट्रेस है, यहाँ पे इसका स्ट्रेस है, फलाना आपका ढिकाना, दुनिया भर के स्ट्रेस है। हालांकि ये स्ट्रेस इनकी अपनी पैदाइश है, ये सब इन्होंने ही लिया है अपने हिस्से पे, खुद झोली भर भर के इन्होंने स्ट्रेस मांगा है। यानी कि जब आप इनको प्यार कर रहे थे तब ये इनको समझ में आ नहीं रहा था, लेकिन जब आपने प्यार करना बंद कर दिया तब इन्हें सिर्फ स्ट्रेस ही स्ट्रेस दिख रहा है, और आप हैप्पी दिख रहे हो, विच इज गुड, अच्छा है। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो काफी स्ट्रांगली एक एयर साइन है, एरिस लिब्रा, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, और एरिस लियो सजिटेरियस की भी एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। इनकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं इनकी बर्थ डेट में 24 भी हो सकता है या 27 हो सकता है, ये कुछ नंबर्स मुझे काफी ज्यादा दिख रहे हैं। और उसके अलावा मुझे पता नहीं क्यों पत्ते दिख रहे हैं, ग्रीन कलर के पत्ते बहुत ज्यादा, लीव्स, आई डोंट नो, अगर ये आपके आसपास है तो आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। ओके आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि उनकी जिंदगी में सब कुछ पहले बहुत अच्छा जा रहा था, हैप्पी जा रहा था, कितना सुंदर था, कितना ब्यूटीफुल था, और सब चीजें कितनी, मतलब बोलते ना, बैलेंस चल रही थी, पॉजिटिविटी। लेकिन अभी कुछ टाइम से जैसे इनकी जिंदगी में इतने प्रॉब्लम शुरू हुए हैं, आप जो है जब से इनके जीवन से गए हो कहीं आपने कुछ किया तो नहीं, ये वाली एनर्जी इनको डेफिनेटली रख रख के इनको एहसास होता है कि यार कहीं ये मुझ पर कोई काला जादू वगैरह तो नहीं कर रही है, जिसके कारण मेरी लाइफ में सडनली इतना फॉल शुरू हुआ, इतनी प्रॉब्लम शुरू हुई, इतना स्ट्रेस शुरू हुआ। और कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि ये शायद उनके कर्मा है जो वो भुगत रहे हैं। नाइस, अच्छा है, सोचना भी चाहिए उनको। काफी हद तक आपके पार्टनर जो है अपनी जिंदगी में दोबारा वो एक्साइटमेंट और मोटिवेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपको दोबारा कंट्रोल करे और अपने आप को राजा, महाराजा या रानी जैसा महसूस करे। पर प्रॉब्लम ये है कि अब आप उनके हाथ में इतना आसानी से आने वाली पर्सनैलिटी रहे नहीं, और ये बात उनको आसानी से महसूस भी होती है। आपके पार्टनर काफी ज्यादा इमेच्योर दिखाई दे रहे हैं, बच्चों जैसा बिहेवियर है, एक पल में बहुत प्यार, अगले ही पल मानो उनको क्या हो जाता है, इनको सिर्फ मनाना पड़ जाता है, इनके पीछे भागना पड़ जाता है। आपके पार्टनर काफी हद तक मुझे वो एनर्जी देते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर वो जब मन पड़ता है आपके जीवन में आकर सब कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, फिर एकदम से तहलके के साथ, बोलते ना, एकदम स्पीड से निकल भी जाते हैं।
आपके पार्टनर डिसीजन मेकर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो और बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत आराम आराम से करते हैं, मतलब सामने वाले की ज़िंदगी निकल गई और ये सोच ही रहे, वो वाली एनर्जी रहती है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा खुद को आइसोलेट करने लगे हैं इन दिनों, उनके अपने दोस्त उनके अपने लोग भी इन्हें कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे हैं, इनको सब में से कीड़े दिखना शुरू हो चुके हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है वाली एनर्जी ज़्यादा है। ये बिना वजह जो है लोगों में जो है प्रॉब्लम्स ढूंढना शुरू कर चुके हैं और उनको लग रहा है ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, हर इंसान में गलतियां ढूंढने लगे हैं, जबकि गलती यहाँ पर उनके अपने आप से हो रही है। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में आसपास के किसी भी व्यक्ति से इस वक्त खुश नहीं है, हर एक व्यक्ति से इनको नाराज़गी है, चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा है और इनको हर एक व्यक्ति का गला दबाने का मन करता है। कई हद तक ये इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में है और उसका कारण सिर्फ एकमात्र है, मैं आपको बता दूँ, खुशी होगी जानकर, आपका ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुरा। So, ये कई हद तक आपकी जिंदगी में आपको खुश देखकर आपको बहुत ज्यादा खुद को तकलीफ में महसूस करने लगे, उनको लग रहा है ऐसे कैसे भाई आप आगे बढ़ गए, ऐसे कैसे आपकी हिम्मत कैसे हुई। कहीं ना कहीं आपका यूं आगे बढ़ना, अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव और हैप्पी फील करना और उन्हें एहसास दिलाना, ये कहीं ना कहीं जलसी के मारे इनको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, इनको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगा है, गुस्सा किस पे निकालूं, आखिर किस पे पूरा गुस्सा निकलना चाहिए, कि चक्कर में ये हर एक इंसान को नेगेटिव समझने लगे हैं, दोस्त को भी सीधा सुना रहे हैं और फैमिली को भी। ठीक है, कहीं हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है ये किसी भी व्यक्ति के साथ इस वक्त अच्छे नहीं है, बहुत ज्यादा कड़वाहट इनके अंदर आ चुकी है, जहां पर जो मर्जी आए, जो भी सामने आए, उसका बैंड बजता चला जा रहा है। आपके पार्टनर काफी हद तक अपनी जिंदगी में खुशियों की काफी हद तक दुहाई करते हुए नजर आ रहे हैं, हे भगवान मुझे खुश रहने का हक है, मुझे खुश रख, इसको भी तो ये भी तो खुश है, मैं क्यों खुश नहीं हूं वाली एनर्जी है। आपसे काफी ज्यादा मैंने कहा ना मिर्ची लग चुकी है इनको, इनको लग रहा है कि ये अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम ही काम कर रहे हैं, काम ही काम कर रहे हैं, गधा मजूरी कर रहे हैं, फिर घर संभाल रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, फिर घर संभाल रहे हैं, इनकी जिंदगी में जिम्मेदारियां खत्म ही नहीं हो रही। लेकिन आप तो मानो अपनी जिंदगी में जिम्मेदारी होने के बाद भी कितने खुश हो, कितना मुस्कुरा रहे हो, भगवान ने आपकी जिंदगी में कितना कुछ अच्छा कर दिया, बताओ भला, ये तो गलत है ना। तो कहीं हद तक आपके पार्टनर को इस बात का बुरा लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी में इतना आगे कैसे बढ़ रहे हो, वो भी इनको छोड़कर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ, मतलब जो यूनिवर्सल लॉ होता है, वो तो ये होना चाहिए था कि इन्होंने जब आपको छोड़ा या आपको आपको जो है ब्लॉक किया या आपको जो है अपने से दूर कर दिया, तब आपको तड़पना चाहिए था, छटपटाना चाहिए था, आपको तो तकलीफ होनी चाहिए। ये क्या हो गया, आप इतना मुस्कुराने कैसे लग गए, आप नॉर्मल कैसे हो गए। तो आपके अंदर का जो ये ग्रेटफुल ऑरा और पॉजिटिव ऑरा है, ये इनकी जान ले रहा है बहुत बुरी तरह से, इनकी बैंड बजी पड़ी है, ये आपको स्टॉक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपके अगल बगल आपके परिवार वाले आपके दोस्त सभी की स्टॉकिंग शुरू हो चुकी है बहुत ही तेज़ी से, क्योंकि आपके पार्टनर को लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो राज है जो आपने छुपाया है, जो इनको पता होना चाहिए, जिसके कारण ये आपके पीछे लग चुके हैं इस वक्त। आपके पार्टनर का मन इस वक्त किसी चीज़ में किसी काम में नहीं लग रहा है, वो कहीं हद तक बार बार भागने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कहीं ट्रैवल करने का उनको मन कर रहा है, कहीं घूमना है उनको, कोई मूवी देखने का मन कर रहा है, काम से तो बहुत ज़्यादा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके प्रति काफ़ी स्ट्रांग एडिक्शन फील होने लगा है, जैसे कि आप इनको एक मैग्नेट की तरह खींच रहे हो अपनी तरफ और बिहेव भी ऐसे कर रहे हो जैसे कि आप तो बिल्कुल उनको देख भी नहीं रहे हो, आप उनको पहचानते भी नहीं हो, बट कहीं ना कहीं आपकी तरफ से मैग्नेटिक पुल गया है, यानी कि हो सकता है आपने कोई अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन का टेक्निक यूज़ किया है, जिससे ये बावले हो चुके हैं, इनका दिमाग काम करना बंद हो चुका है और ये आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं और इनका दिमाग बिल्कुल भी सुन पड़ चुका है। आपके पार्टनर काफ़ी हद तक अब आपके साथ स्ट्रांग लेवल पर रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, वेरी वेरी स्ट्रांग लेवल पर वो आपको लेकर छटपटाने लगे हैं, परेशान होने लगे हैं और उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अब अंडरस्टैंडिंग पहले जैसी नहीं रही, सब कुछ कितना खराब हो गया है और उनको चीज़ें कितनी ज़्यादा ठीक करने की जरूरत है, कितनी सारी मेंटेनेंस करने की जरूरत है, और उनके होते हुए उन्होंने इतना 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 आसानी से कैसे क्या ये सब चीज़ें हुई कि आप इतना आसानी से मूव ऑन कर गए। इनको कहीं ना कहीं स्ट्रांग फीलिंग आ चुकी है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, जिसके कारण ये परेशान हो रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपने इनको जलाने की कोई हरकत की है, जिससे ये वाकई जल भी रहे हैं। इनको ये लगने लगा है कि अब आपकी लाइफ में किसी और व्यक्ति की एंट्री होने हो गई है, या आप किसी और को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने लगे हैं, कोई और व्यक्ति है जो आपके दिल में कब्जा कर चुका है, इसीलिए आप इस व्यक्ति को हल्के में लेने लगे हैं और इन्हें टाटा बाय बाय और गो टू हेल का बोर्ड दिखाने लगे हैं, जिससे इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दुख हो रहा है और कहीं ना कहीं दर्द भरे गीत इन्होंने सुनना शुरू कर दिया है। तो ठीक है, आपने इनकी अच्छी खासी बैंड बजा दी है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इनको रात रात भर में नींद नहीं आ रही, आजकल एंजाइटी होने लगी है, स्ट्रेस ज्यादा हो गया है, बैक का प्रॉब्लम या सर दर्द का प्रॉब्लम ज्यादा शुरू हो चुका है, एक शोल्डर में भी पेन मुझे दिखाई दे रहा है, एक शोल्डर में पेन होने लगा है,
पॉसिबिलिटी है कि अचानक से बीपी लो या बीपी जो है हाई हो जाता है, और ये बीपी लो और बीपी हाई सिर्फ इनके सोच विचारों से हो रहा है। माइंडसेट बड़ा नेगेटिव हो रहा है, जिंदगी में खुशियों की जो है बैंड बज चुकी है। इस वक्त इनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तहलका मच रहा है, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपका जरूरत से ज्यादा मुस्कुराना है। भाई तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर का दिमाग पूरी तरह से हिला कर रख दिया आपने, इस वक्त उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और ये अच्छी बात है। अच्छी बात है कि आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, और पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें बेहतर भी हो जाए इन फ्यूचर, ठीक है। सो चलो अब फास्ट फास्ट आपके जाने का मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मैसेज मैसेज इनके जाने का मैसेज क्या है। डर लगता है रिजेक्शन से, अब इनको डर लगता है आपको खो देने से। इनको अच्छे से पता है कि अगर आपके पास आए गुलदस्ता लेके तो वो गुलदस्ता आप इनके मुंह पर मार सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ये स्ट्रांग फीलिंग आ चुकी है कि आप जो है वो फूल पे स्पेशली जो काटे होंगे वो वाला हिस्सा तो इनको पक्का देंगे। ओके, आई वॉन्ट टू बी विथ यू ऑलवेज, ये हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। ये जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहते हैं। तो तब कहाँ गए थे जब आप अकेले फील कर रहे थे? ये साथ तभी आज क्यों नहीं आया? चुपके चुपके तुम्हें देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, स्टॉक कर रहे हैं भाई, पूरी तरह से ताड़ा जा रहा है आपको हर तरीके से, फेक अकाउंट या फेक नंबर्स या किसी किसी तरीके से ये पहुँच रहे हैं आप तक। आपको शायद एहसास नहीं हो रहा, बट जनाब या जनाबी अब जो भी हैं आपके पार्टनर या पर्सन ही आपको अच्छे से ताड़ रहे हैं, स्टॉकिंग चालू है। मतलब मान के ये ले लो कि आप जो है इस तक घर पे अपनी जिंदगी में अपने आप में डांस कर रहे हैं अपने रूम में, और यहाँ पर ये दूरबीन लेकर खड़े हैं कि भाई ये नाच क्यों रही है, इसकी जिंदगी में कोई तो है। सो कई हद तक हम दोनों ट्विन फ्लेम है। ओह, आप इनको इसलिए जला रहे हो क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम है। आपको अच्छे से पता है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो इनको प्रॉब्लम होती है, तो चलो अच्छी बात है, आप समझदार हो। आई वॉन्ट यू इन सिक्योरिटीज, आपके पार्टनर ओ हो कितनी बुरी तरह इनसिक्योर हो गए, क्या किया है ऐसा। सो आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ एट द मोमेंट, इस वक्त ठीक है मैं भी अपने आप की जिंदगी में खुशी चाहता हूँ, भगवान मुझे खुशी दे, पर खुशी इतनी आसानी से मिलेगी नहीं, खुदकुशी करनी पड़ जाएगी दोस्त। मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, करना भी कौन चाहता है, नॉट इंटरेस्टेड। तो आप अपने पार्टनर से वैसे भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, इस वक्त उनको किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि मैंने क्या कहा, सबको इस वक्त नेगेटिव सोच रहे हैं, इसको सबको नेगेटिव सोच रहे हैं। इनको लग रहा है हर इंसान में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उनमें है इंसान में नहीं, पर इनको कौन समझाए। सो चलो आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक गिफ्ट देख लेते हैं, तड़कता भड़कता गाना, बीड़ी जलाई ले टाइप का निकालूंगा ना। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की तरफ से कौन सा सॉन्ग देना चाहेंगे। किसी के पास लाल दुपट्टा है तो थोड़ा ज्यादा फोकस करना, ये रीडिंग आपकी हो सकती है। पता नहीं क्यों लाल दुपट्टा मुझे दिख रहा है, या सॉन्ग ये लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा से चौके से, कौन सा गाना था ये? चलो भाई अब देख लेते हैं, आई होप दुखी भरी गाना ना आए। अरे यार ये मैं 3 बार गा चुकी हूँ, ये गाना मैं वापस नहीं गाऊंगी, हर वीडियो में वही गाना आ रहा है यार, बार बार एक ही गाना, पता नहीं यूनिवर्स को क्या प्रॉब्लम है। मैं वो गा चुकी हूँ ना, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में जो नहीं था वो हमको मिला नहीं, सुन लेना यार यूट्यूब पे। और दूसरा गाना भी आया है, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, उनको लग रहा है कि यार आपके आपकी बंसी बुला तो राधा का नाम रही है पर पता नहीं क्यों वो बदनाम हो रहे हैं। मतलब उनको डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नैन मटक्का आपका किसी और व्यक्ति से शुरू है, विच इज़ गुड, अच्छी बात है। उनको थोड़ी सी जलसी तो होनी चाहिए, मिर्ची तो लगनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं ये 2 सॉन्ग्स हैं, आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर। मैं गाने वाने के मूड में नहीं हूँ दोस्त, मैं बात करने के मूड में हूँ, डेफिनेटली मैं बात कर भी रही हूँ, ठीक है। इसी तरह मुस्कुराते रहो, हैप्पी रहो, और मैं प्राउड फील करती हूँ जब जब आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। सो येस ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही लाते रहो, मिर्ची लगाते रहो अपने पार्टनर को। इसी तरह बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आप अपने पार्टनर को अपने बोलते ना अपनी गलती का रियलाइजेशन करा पाएंगे, विच इज वेरी गुड, हैट्स ऑफ। ओके, अगर आपको रीडिंग पसंद आई मस वाला लाइक चिपकाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और यस अमित सर से एनालिसिस करवा कर डेफिनेटली ब्रेसलेट ले सकते हो कोर्सेज के रिलेटेड, या क्या पता यस इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है या मेरा यूनिवर्स विद इन यू वाला अगर चैनल है, हो सकता है आप उसके अफॉर्मेशन यूज करो जिसके कारण ये मैग्नेटिक पुल है। सो इनमें से कोई भी आपको चीजें डिटेल चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा जल्दी से चेकआउट करो, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, वीडियो भी मिल जाएंगे, ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हो। आप भी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।